लास्ट में एक स्टोरी से एंड करूंगा जो भाजी ने वैसे कहा था अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो स्टोरी थी जिसने मेरे को लाइफ में बहुत हेल्प की और मेरी लाइफ में एक चीजें देखने का ना नजरिया बदल दिया। मैं चाहूंगा आप लोग से शेयर करूं। हिंदी मेरी समझ में आ रही है आप लोगों? थैंक यू। एक बार एक क्या होता है ना, गांव में ना एक बार बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। गांव में जब बाढ़ आ जाती है तो गांव सब लोग गांव खाली कर रहे थे। जब सब गांव खाली कर रहे थे ना, तो एक इंसान ना गांव खाली नहीं रहता। तो जो गांव का मुखिया होता है, गांव का सरपंच होता है, वो जाता है उसके बाद बोलता है, देखो भाई गांव में बाढ़ आ रही है, आप जल्दी से गांव खाली करो वरना आप डूब जाओगे। तो ये सच्चा इंसान बोलता है, नहीं नहीं, मैंने उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस जीसस की बहुत सेवा की है, बहुत पूजा पाठ किया है, मुझे वो बचाएगा, आप जाओ। मुखिया सरपंच चले जाता है। पानी का जो भाव है, पानी का जो फ्लो है, वो बढ़ जाता है। जब वो पानी का फ्लो बढ़ता होता है तो ये सज्जन इंसान ना खटिया में आके बैठ जाता है। खटिया में बैठा होता है, वहां से एक बोट जाती है, रेस्क्यू बोट। वो देखते हैं इंसान बैठा है खटिया में, वो चिल्लाती है उसको, आ जाओ भाई साहब जल्दी बोट में आ जाओ, बोट में चढ़ जाओ वरना आप डूब जाओगे, क्योंकि पानी का भाव बढ़ रहा है। तो ये सज्जन इंसान बोला, नहीं नहीं, मैंने उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस जीसस की बहुत सेवा की है, मुझे वो बचाएगा, आप जाओ। बोट भी चले जाता है, पानी का फ्लो, पानी का भाव बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि ये बंदा जो ये इंसान है, ये जाके छपड़े में बैठ जाता है छत पे। तो ये जब छत पे बैठा होता है, वहां से होता है रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, देखा आपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर होते हैं, देखा कि देखा है? तो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर होता है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर से सीढ़ी फेंकता है और उसको बोलता है, भाई साहब जल्दी से ऊपर सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ जाओ, अब तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, आप जरूर डूब जाओगे। ये बोलता है, नहीं नहीं, मैंने उस परमात्मा की, ईश्वर की बहुत सेवा की है, मुझे वो बचाएगा, आप जाओ। एंड में पता है क्या होता है, जब हेलीकॉप्टर चले जाता है, एंड में पता है क्या होता है, एंड में ना वो सज्जन इंसान, वो बहुत ही नेक इंसान, डूब के मर जाता है। तो जब वो डूब के मर जाता है, जब ना हमारे सब लोगों में ना एक बात बहुत कॉमन है, हम सब एक बात कभी नहीं छोड़ते, हम ना शिकायत करना नहीं छोड़ते, है कि नहीं? हर बात में शिकायत करते हैं, बीबी हस्बैंड से शिकायत कर रही है, हस्बैंड बीबी से शिकायत कर रहा है, बच्चे माँ बाप से कर रहे हैं, माँ बाप बच्चे से कर रहे हैं, शिकायत करना नहीं छोड़ते, बराबर। तो ये जब मर जाता है तो ये ऊपर जाता है, तो ये जो ऊपर है ना, भगवान से शिकायत करता है कि बोलता, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जीसस, मैंने आपकी कितनी सेवा की, मैंने कितना पूजा किया, कितने अगरबत्ती लगाए, कितने दिए लगाए, फिर भी आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान पता क्या बोलता है, भगवान बोलता है, अबे बेवकूफ, वो मुखिया, वो बोट, वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? तो मुझे ये नहीं पता कि आप किस स्टेटस पर हो, कि आप मुखिया वाले स्टेटस पर हो, कि आप बोट वाले पे हो, या आप हेलीकॉप्टर वाले पे हो। अपॉर्चुनिटी आएगी, आती है, ये इंपॉर्टेंट इंसान ने इसने बोलता दिमाग दिया कि आप समझिए चीजों को। और इतनी सारी चीजें, इतने सारे एग्जाम्पल, कितनी सारी चीजें होने के बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मिलते हैं ऊपर शिकायत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां।